बैक टू आवर शान यूट्यूब चैनल। और बोतल में भरा हुआ पानी कभी ठंडा नहीं रहता, उबड़ने के बाद धीरे गर्म होते। तो आज था संडे और हम गए थे धाम, तो धाम पे मैं मोबाइल ले जाना भूल गया था। धाम की जो भी वीडियो थी वो मैं शूट नहीं कर पाया, फिर मैंने दूसरे के मतलब मोबाइल से शूट करी, तो इसमें मैं ऐड कर दूंगा, आप जरूर देखना। एक जगह और जाके आना था, जिससे मिलके आना था उससे मिलकर भी आ गए। अब चलते हैं हमारे नए घर डबोक, सो लेट्स गो। ये हमारा नया वाला घर है डबोक, और इसका बहुत खूबसूरत व्यू है सामने से, आप देख सकते बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है। और ये सामने सीमेंट फैक्ट्री है डबोक की, बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत, बारिश में बहुत अच्छा लगता है। और ये एक और नई बन रही है फैक्ट्री। तो गाइस पापा जो हैं पालक और मेथी ये सब ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि इस स्कूल में मेरे मामा पढ़ते थे, मोना काका थे, मामा पढ़ाते थे हेड मास्टर, हाँ सॉरी पढ़ाते थे, हेड मास्टर थे इस स्कूल में, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। हमारे डबोक वाले घर से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं खेमली। मेरी मम्मी कुछ मतलब चूड़िया वगैरह लेनी है हाथ पे पहनने की, और भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ अच्छा दिखेगा तो लेंगे खेमली से। पैसा दो भाई जाना ना कतरा भैया, पाँच रुपया खुला है कि हाँ है, है? हाँ दे दे। हम पहुंच चुके हैं खेमली गांव में। हाँ लो, कहाँ पड़े खेली में 100 रुपये पड़े, 100 रुपये लाने। पैसे पैसे कहाँ है? तो गाइस देख लो ये खेमली गांव है। मैं खोल रहा हूँ। हाँ चलो। अब क्या कहाँ जाना है कल? वाले अंकल पापा के बहुत अच्छी पाव भाजी बनाते, पापा ने कहा आज पाव भाजी खा के चलते, बहुत अच्छी पाव भाजी। फाइनली गाइस हम घर पहुंच चुके हैं, सारा खा पी के आ गए, और आज का दिन कहाँ निकला कुछ बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो अब चलते हैं घर पे, और ये सारा गाड़ी में सामान पड़ा है सब निकालते हैं। और आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, मतलब संडे तो मतलब मेरे लिए काफ़ी स्पेशल दिन होता है, क्योंकि मुझे गुरुजी को जाने को मिलता है, गुरुजी के धाम जाने को मिलता है, वहाँ पे पाठ होता है, जिससे मुझे बहुत सुकून और बहुत अच्छा लगता है। तो लेट्स सी, बस अब चलते हैं घर पे अंदर, फिर देखते हैं। गुरुजी दा जन्मदिन, गुरुजी दा जन्मदिन आया, निहोल I'm not afraid to die।
सर्दी के अंदर पापड़ खाने का जो मजा है वो किसी चीज में है। मस्त पापड़। फिलहाल मैं बॉम्बे वालों के घर बैठा हूँ रजाई के अंदर। मस्त पापड़ है। अच्छा मैगी खा रही है? नाइट ड्यूटी थोड़ी है नीलू। हट। मैगी खा रहे हो आप? मैगी कैसी है? अच्छी है, अच्छी है। ओ, आप साड़ी पहन के खेलते हो, फिर आप क्या बोलते हो मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ? सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर ऐसे हैंड पे लगाते, हैंड पे लगाते, हैंड पे लगाते इसको। सो गाइस आई होप आपको ये छोटा सा जो भी आज का संडे व्लॉग था, मतलब संडे स्पेशल व्लॉग क्योंकि आज संडे था और आज धाम पे भी जाना था, तो ये मेरे लिए मतलब ये स्पेशल होता है क्योंकि वीकेंड जैसे होता है ना, वीकेंड स्पेशल होता है। वैसे मेरे लिए मतलब छोटा व्लॉग था लेकिन काफ़ी अच्छा था। बहुत कुछ हुआ, हम धाम पर गए, पाठ किया, फिर वहाँ पूजा हुई, सारा डिस्कशन किया वहाँ पे क्योंकि मतलब अब गुप्त नवरात्र आने वाले हैं। अगर आपको ध्यान हो तो गुप्त नवरात्र आने वाले, तो हमारे जो हमारे धाम पे पूजा पाठ होगी, हवन होगा और नौ कन्याओं को जिमाया जाएगा, तो उसकी सारी व्यवस्था जो भी होती है वो सब मतलब जितने भी सेवादार लोग थे वो सब डिस्कस कर रहे थे, ये सब किया तो बहुत अच्छा लगा। सुबह घर आए, फिर हम बुआ जी से मिलने गए मेरे, फिर हम डबोक गए, फिर हम खेमली भी गए, मैंने आपको बताया वीडियो में खेमली, फिर मम्मी ने वहाँ चूड़िया वगैरह ली, उसके बाद थोड़ा बहुत बाहर से खाया पिया। तो ये थोड़ा छोटा सा अच्छा व्लॉग था। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो, तो व्लॉग पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और इस वीडियो को टेल एंड तक देखना, और मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट नई वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।